उपेंद्र सिंह राणा संवाददाता इस समय देहरादून से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के। उपेंद्र, लगातार उत्तराखंड के कई जिलों में बरसात हो रही है, नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और उसी को लेकर भी तैयारियां हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कि उत्तराखंड में जो लगातार जो है बारिश का सिलसिला जारी है, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किए हैं कि अभी 13 और 14 जुलाई तक जो है इसी तरीके से मौसम का मिजाज जो है वो रहने वाला है। और जिस प्रकार से देखा जाए तो अब नदी नाले जो है वो पूरी तरीके से उफान पर दिख रहे हैं। चाहे चंपावत की बात की जाए, वहाँ पर भी जो नदी है वो पूरी तरीके से उफान पर है और कई जगहों पर अगर देखा जाए, हालांकि ज़रूर है कि जो बड़ी नदियाँ हैं वो अभी जो है निम्न स्तर पर हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस प्रकार से जो बारिश हो रही है पहाड़ों की तरफ, ऐसे में ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है जो नदी का जो जल स्तर है वो भी बढ़ जाएगा। साथ ही अगर आपदा विभाग की अगर बात की जाए तो वो भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। सभी टीमों को जो है अलर्ट पर रहने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। जो भी सेंसिटिव जोन है वहाँ पर टीमों को जो है वो रखा गया है कि अगर कभी किसी भी कारण जो है खतरा अगर बन रहा है तो उन जगहों पर जो है क्विक रिस्पांस के साथ जो है वो काम किया जाए। और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई जो है वो दे रही है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि चारधाम यात्रा चल रही है तो ऐसे में वहाँ पर जो टीमें हैं एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको लगाया गया है। अगर कहीं पर रास्ता ख़राब है तो वहाँ पर जो है यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। तो तमाम इंतजाम जो है प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो अभी 13 और 14 जुलाई तक जो है मौसम जो है ऐसी मिजाज बना हुआ रहेगा। खासतौर पर जो कुमाऊं मंडल है, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और मुंशियारी, इन जगहों पर जो है काफ़ी तेज़ बारिश होने की आशंका जो है वो जताई गई है और येलो अलर्ट भी वहाँ पर जारी किया गया है। और पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, इन जगहों पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जो है वो जताई गई। लेकिन सबसे बड़ा जो आफत की बारिश अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से भूस्खलन की स्थिति पहाड़ों में हो रही है उससे कहीं ना कहीं आम लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, काफ़ी मुश्किलों का सामना जो है उनको करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है और उसी वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ब्रेक यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।